So today we are starting with census and sample method of data collection. इसके बेटे हमने meaning already कर लिए थे first term में. All of you know what is the census method of collecting data. So I will be revising it. ठीक है. There are two methods of collecting data. One is census method, another is sample method. Census में क्या होता है? We study each and every unit of the population. Population क्या होता है? Sphere of inquiry. Statistics में population का मतलब ये नहीं है people living in a country. Population or universe in statistics implies the size of investigation, sphere of inquiry. So अगर हमें data collect करना है 11C के students से related, आपकी एवरेज हाइट फाइंड आउट करनी है तो उस केस में मैं अगर इन्वेस्टिगेटर हूं मुझे प्लस वन सी के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट फाइंड आउट करनी है. सो हेयर द पॉपुलेशन इज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11C. ठीक है. यूनिवर्स इज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11C. ठीक है. सो जैसे मैंने एग्जाम्पल ली कि मुझे 11C की एवरेज हाइट फाइंड आउट करनी है. अब ये डेटा कलेक्ट करने के लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं. वन सेंसस, अनदर सैंपल. इफ आई मेक यूज ऑफ सेंसस आई विल बी कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन. मैं हर यूनिट को इन्वेस्टिगेट करूंगी, उससे इंफॉर्मेशन लूंगी. ठीक है. रोल नंबर वाइज मैंने आपसे आपकी हाइट पूछी और मैंने हाइट का टोटल लिया, उसको 54 या 53 स्टूडेंट्स जितने भी आपकी क्लास में उससे डिवाइड किया, मेरे पास एवरेज हाइट आ गई. ये जो मैंने मेथड यूज किया डेटा को कलेक्ट करने का, इट इज नोन एज सेंसस मेथड. कौन सा होता है सेंसस मेथड? इन विच ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड. ठीक है. आई हैव अनदर वे ऑल्सो. मैं क्या करूंगी, मैंने दो स्टूडेंट्स इस रो में से ले लिए, दो रैंडमली इधर से, दो इधर से और दो इधर से. 8 स्टूडेंट से मैंने डेटा कलेक्ट किया. ठीक है. टोटल किया और 8 से डिवाइड कर दिया. मैंने कहा ये आपकी एवरेज हाइट है. मैंने क्या किया, आई हैव स्टडीड अ फ्यू यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज फ्यू यूनिट्स I have derived or I have concluded on behalf of whole of the population. इस method को क्या कहते हैं? Sampling. So depending upon the circumstances, we make use of either census method or sample method. हर एक के अपने merits, demerits है, suitability है. ठीक है. अगर population का size बहुत ज्यादा बड़ा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सीबीएसई ने अपने स्टूडेंट्स का व्यू लेना है. अब बेटे सीबीएसई के स्टूडेंट्स तो लैक्स में हैं, तो उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए सेंसस मेथड यूज नहीं कर सकते. स्टार्स की स्टडी करनी है, स्टार्स इनफिनाइट हैं. कैन वी स्टडी ईच एंड एवरी स्टार इन द स्काई? नो, वो इनफिनाइट है. सो वी विल मेक यूज ऑफ सैंपल. पॉपुलेशन होमोजीनियस है, मतलब सिमिलर डेटा है. डू वी नीड टू कलेक्ट सेंसस? नो, जस्ट स्टडी अ फ्यू यूनिट्स. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट कलेक्ट योर डेटा. सो और सेकेंडली, अगर आपके पास रिसोर्सिस की कमी है, फंड्स ज्यादा है तो सेंसस यूज कर लो, कम है तो सैंपल. अब देखो सेंसस में तो इवन दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन कोई टेक्निक तो नहीं है. यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन. चाहे मैं रोल नंबर वाइज बुला लूं, मैं रो वाइज बुला लूं बच्चों को, मुझे पता है मैंने हर स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना है. ऑन द अदर हैंड, अगर मुझे सैंपलिंग मेथड यूज करना है तो मैं कौन से, मेरे को 6 स्टूडेंट्स या 7 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना है. ठीक है. मैं कौन से 7 स्टूडेंट सिलेक्ट करूं रैंडमली? रैंडमली कैसे? रैंडमली का मतलब क्या? एनी रोल नंबर.
कैसे, एनी रोल नंबर कैसे आएगा? हाँ जी, कोई भी टेबल एवरेज क्या? ओके, ऑल राइट, और एनी अदर सजेशन? सो थ्री ऑफ यू हैव गिवन थ्री डिफरेंट आइडियाज, ठीक है, सो ऑफ कोर्स दे आर ऑल राइट. सो दैट जस्ट गिव्स राइज टू दिस कंक्लूजन दैट देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ चूजिंग सैंपल, देयर इज नॉट जस्ट वन वे, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ चूजिंग सैंपल. मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया भाई, बच्चों इकोनॉमिक्स का ये प्रोजेक्ट करके लाना है, इसके लिए डेटा कलेक्ट करना है, तो आप ऐसे करो, आपसे सेंसस तो नहीं होगा, है ना, आप सैंपलिंग मेथड यूज कर लो. आपने कहा ठीक है, खुश हो गए. मैम ने कहा चलो 5-10 का हम सैंपल ले लेते हैं, तो हमारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा, उसके बेसिस पर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे. अब खुश तो हो गए, घर जाके जब क्वेश्चन आयर बनाया, अब अच्छा चलो सैंपल चूज करना है, अब अनदर क्वेश्चन मार्क, किसको सैंपल करें, किसकी सैंपलिंग करें, हाउ टू चूज ए सैंपल, ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ चूजिंग अ सैंपल. फर्स्ट वन इज रेंडम सैंपलिंग टेक्निक. तो दीपांशु ने नाम से ही कह दिया, या मैंने भी कहा हाँ रेंडमली कर लो. रेंडमली कहने का मतलब क्या है? रेंडमली मतलब ऐसे ही ले लो, ठीक है. तो हाउ डू वी टेक्निकली डिफाइन इट? अच्छा आपने कहा ऐसे ही कलेक्ट, किसी को भी ले लो. रेंडम मतलब एनी रेंडम पर्सन, किसी को भी ले लिया. तो अगर मेरे को आप में से 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं और मुझे रेंडमली करने हैं, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 53 हैं, ठीक है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हरलीन विल बी सिलेक्टेड? 1/53. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीपांशु विल बी देयर इन द सैंपल? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आदित्य विल बी देयर? पूरा विल बी देयर? सो ओके, ही सेज 0. इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है, क्योंकि हम रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी ऑल ऑफ यू हैव सेम प्रोबेबिलिटी टू बी सिलेक्टेड इन द सैंपल. कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/53 से ज्यादा हो? एनी वन ऑफ यू फील सो कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/53 से कम होगी या इससे ज्यादा होगी? ऐसा कुछ नहीं है ना. सो रैंडम सैंपलिंग वो मेथड है जिसमें एवरी स्टूडेंट और एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज सेम चांस और सेम प्रोबेबिलिटी टू बी सिलेक्टेड इन द सैंपल. दिस इज हाउ वी डिफाइन रेंडम सैंपलिंग टेक्निक. आफ्टर स्टडिंग दिस यू विल नॉट राइट रेंडम सैंपलिंग टेक्निक इज द वन इन विच सैंपल इज सिलेक्टेड रेंडमली. वॉट इज रेंडमली? रेंडम सैंपल इज दैट टेक्निक इन विच एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज सेम चांस टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल, ठीक है. दिस इज हाउ वी डिफाइन इट. बट देन क्वेश्चन तो वही रह गया, ठीक है. अब मैंने, मेरे सामने ये है, मैंने 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करने में कैसे करूं? मैंने कहा हाँ सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है. अगर मैं रैंडम से निकालती हूँ, मैंने कहा बच्चों हमने आपको आगे ट्रिप पे भेजना है, 5 स्टूडेंट्स का सैंपल सिलेक्ट करना है, आई विल सिलेक्ट इट रैंडमली. सो नाउ देयर विल बी नो यू नो क्वेश्चन इन योर माइंड कि मैम मेरे को तो सिलेक्ट ही नहीं करेंगी, या हाँ मैं तो पक्का जाऊंगा, आई एम मैम्स फेवरेट, और मैम डजंट लाइक मी, शी विल डेफिनेटली नॉट सिलेक्ट मी. जब मैंने वर्ड रैंडम यूज कर लिया कि मैंने जो सैंपल है वो रेंडमली चूज करना है, तो आप में से किसी के माइंड में ये आना चाहिए? नहीं ना, ये चांस फैक्टर है, सबका चांस सेम है,
क्या है चांस 1/53 दैट यू विल बी सिलेक्टेड. सो हाउ डू वी सिलेक्ट द सैंपल रेंडमली. अगेन देयर आर टू टेक्निक्स. वन इज लॉटरी मेथड. वॉट वी विल डू, वी विल मेक चिट्स. पेपर स्लिप्स बनाएंगे, हर स्लिप के ऊपर एक स्लिप के ऊपर एक स्टूडेंट का नाम लिख देंगे. यानी 53 स्लिप्स, 53 स्टूडेंट्स है तो 53 स्लिप्स. उनको फोल्ड कर दिया, उनको एक बाउल में डाला, बाउल को शफल किया और जितने का सैंपल चूज करना है, अगर 5 स्टूडेंट्स का सैंपल चूज करना है तो उसमें से हम 5 स्लिप्स, वी विल टेक आउट 5 स्लिप्स एंड रीड आउट द नेम ऑन दो स्लिप्स. तो जिस जिस का नाम आया दैट पर्सन विल कॉन्स्टिट्यूट अवर सैंपल. क्लियर? वेरी सिंपल. लॉटरी मेथड, जैसे बेटे हम लॉटरी, कोई किट्टी डालता है ठीक है, उसमें भी ऐसे ही करते हैं. या कोई आप गेम खेलते हो है ना, तो आप उसमें से चिट्स निकालते हो. सो जितनी चिट्स है उन सबका सेम चांस है कि वो उसका नाम सैंपल में होगा. सो लॉटरी मेथड इज क्लियर. क्या किया हमने, पेपर स्लिप्स बनाई जिसपे हर पर्सन का यूनिट का नाम लिखा, उसको फोल्ड कर दिया और उसमें से उतनी चिट्स पिक की जितने का हमें सैंपल चाहिए. तो चिट्स खोली, उसके ऊपर जिसका नाम है दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अवर सैंपल. ओके, दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल. बेटे अगर मैं बोलूं भाई लॉटरी मेथड से ना अपने पूरे स्कूल में से हमें 100 बच्चों का सैंपल चाहिए, तो हमारे स्कूल में तो 2500 बच्चे हैं, 2500 स्लिप्स बनाते रहोगे. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क है ना. सो व्हाट डू वी डू इन केस द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज, वी मेक यूज, रेंडमली ही सिलेक्ट करना है, लेकिन लॉटरी मेथड यहाँ पे सूटेबल नहीं है. So scientists have come up or statisticians have come up with a very unique solution for that. They have made tables, जिनको हम कहते हैं random number tables. जिस तरह से बेटे log tables देखे हैं आपने, कभी book के पीछे बना होता है log table, उसी तरह के कुछ ये random number tables होते हैं. They are like small booklet. 8-10 पेजेस होंगे उसमें. बेटे गर्व क्या हो गया, तो उसमें नंबर्स लिखे होते हैं. 4 रोज हैं, जैसे हर रो में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, 0, 6, 7, 6, 58, 91, 1050, 48, 596, 607 एंड सो ऑन ठीक है, रेंडमली लिखे होते हैं. नेक्स्ट पेज करोगे उसमें भी लिखे होंगे. अब इनको बोलते हैं रैंडम नंबर टेबल. अब ये साइंटिफिकली डेवलप्ड है, साइंटिफिकली डेवलप्ड है मतलब अगर एक नंबर 688 चार बार ही रिपीट हो रहा है, तो दूसरा नंबर 596 वो भी चार बार ही रिपीट हो रहा है. मतलब एवरी नंबर इज रिपीटेड सेम नंबर ऑफ टाइम्स. उसका मतलब अगर मैंने इसके नाम की 4 स्लिप्स डाल दी, इसके नाम की 1 स्लिप डाली, Now, who has the more probability of winning? 4/53? Not 1/53? ठीक है, इसी तरह से अगर एक नंबर, आपका नंबर है 596, वो एक बार ही रिपीट हुआ है, इसका नंबर है 658, ये 3 बार ही रिपीट हुआ है, इसकी प्रॉबिबिलिटी ज्यादा है. तो इसीलिए सबकी प्रोबेबिलिटी हमने सेम रखनी है, क्योंकि हम रैंडम सैंपलिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं. सो व्हाट डू वी डू, दीज टेबल्स आर डिवाइज्ड इन सच अ वे दैट एवरी नंबर इज रिपीटेड सेम नंबर ऑफ टाइम्स. राइट, इधर बच्चे इट्स फाइन, सिंस मॉर्निंग यू बीन डूइंग दिस, इट्स फाइन, बिलीव मी. ठीक है, अब रैंडम नंबर टेबल, पहले तो आप
डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस ने डिफरेंट दिए हुए हैं, फिशर एंड येट्स एक रैंडम नंबर टेबल है, टिप्पेट रैंडम नंबर टेबल है, कोई भी आप एक टेबल ले लीजिए, टिप्पेट रैंडम नंबर टेबल ज्यादा एक्यूरेट या माना जाता है, तो वो ले सकते हैं। व्हाट डू यू डू, आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है उनको आप एक नंबर असाइन कर दो, ठीक है। जैसे आपको मैंने आपकी क्लास के अकॉर्डिंग रोल नंबर वाइज, जिसका रोल नंबर वन है उसको वन असाइन कर दिया, जिसका टू है उसको टू असाइन कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमें सपोज 11th 12th की पॉपुलेशन चाहिए, तो हमने 11th ए से स्टार्ट किया और 12th सी तक हमने 500 स्टूडेंट्स है, तो 500 तक उनको सीरियल नंबर अलॉट कर दिया, ठीक है। अब रोल नंबर वाइज नहीं रहा ना, अब आपका जितना आएगा उस तरह से हमने अलॉट कर दिया। उसके बाद हमने ये टेबल लेना है, बुक होती है ये, वी विल ओपन इट्स पेज, कोई भी पेज खोल लो इसका, ठीक है। तो उसमें नंबर्स रिपीटेड है, अगर मेरी जो पॉपुलेशन है उसका सीरियल नंबर 1 to 500 है, आप चाहो तो 500 से शुरू करके 501 to 1000 भी ले सकते हो, जो भी आपने सीरियल नंबर दिया। अब जो डिजिट, सपोज पहला डिजिट है 1000, वो सैंपल नहीं बन सकता, दूसरा है 984 बन सकता है, नहीं, तीसरा है 111 बन सकता है, ठीक है। उसके बाद ये है 486, दिस कैन बी अवर सैंपल, मतलब 500 से बिलो जितने भी नंबर्स यहां पर हैं वो हमारे सैंपल कॉन्स्टिट्यूट होंगे। आपने तब तक ढूंढते जाना है जब तक आपको कितने का सैंपल चाहिए, 20 का चाहिए। तो जब 20 सर्कल्स लग जाएंगे, अगर एक पेज में 15 आए, अगला खोल लो, 5 उसमें सर्कल कर लो, ठीक है। तो अब ये जो 20 को जिनको सर्कल किया है वो नंबर के पास जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट योर सैंपल। इज इट क्लियर, एनी डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट, दिस इज रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। कैसे डिफाइन करते हैं रैंडम सैंपलिंग को, इन विच एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज सेम चांस टू बी इंक्लूडेड इन। हरसिमरन, हाउ डू यू डिफाइन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक? ओके, शी विल टेक सम टाइम टू वेक अप, बाय दैट टाइम यू स्टैंड अप। हरसिमर, how do you define random sampling technique? Can you speak in English? Even your Hindi is not correct. tukdo tukdo mein kya bolo, hindi mein, agar hindi mein bolna hai to ek single line mein bolo. No. Okay, Raghav. What is random sampling technique? Okay, this is MCQ going on, hai na? Ma'am, equal probability. That's how we'll start. How I will start teaching, no? Random sampling, bete, equal probability. Chalo, aage chalte hai. Purposive sampling, bache, no probability. Haan? Are the things clear then? Harsimran? Same question. Full stop. Everyone has equal chance. Okay. रैंडमली, रैंडमली बताओगे, डिफाइन करोगे रैंडमली? आंख पे पट्टी बांध के चले गए, जिसका पे हाथ लगा वो सैंपल है ना? आफ्टर एक्सप्लेनिंग बोथ द मेथड स्टिल आई एम गेटिंग द सेम आंसर, रैंडमली उठा लेते हैं। रैंडमली कैसे उठा लेते हैं बता दो मेरे को। कीप स्टैंडिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। हाँ जी गर्व, रैंडम सैंपलिंग
Everyone is wrong usage. Every unit of the population. Complete. आपसे मैंने पूछ ली. Your chance was 1/53. It is gone. Become zero. It can be done by further two methods: lottery method and random number table method. Lottery method in which paper chips are made, which can be picked up at random. Paper chips containing what? The names or numbers. Units of population. ठीक है. Words usage should be technical. Students नहीं. Units of population क्या है? जिसको हमने स्टडी करना है हमारी सम टोटल ऑफ आइटम्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी एंड एवरी आइटम आइटम और यूनिट ऑफ पॉपुलेशन. सलाम. आपको नहीं बोला बच्चे, जिसने एक्सप्लेन किया वो बैठ जाएगा. ठीक है, रेस्ट विल कीप स्टैंडिंग. शायद खड़े होके थोड़ा ज्यादा परसीव कर पाओ, रजिस्टर कर पाओ. ऑल राइट, सो दिस इज रेंडम सैम्पलिंग टेक्निक. ठीक है, इन विच एवरी यूनिट हैज सेम चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल. इट कैन बी डन बाय लॉटरी मेथड एंड रैंडम नंबर टेबल. ओके, कमिंग टू द सेकंड टेक्निक ऑफ चूजिंग सैंपल विच इज वेरी सिंपल, पर्पसिव सैंपलिंग, ऑल्सो नोन एज जजमेंट सैंपलिंग और deliberate sampling. So it's that technique of choosing a sample in which the investigator selects the sample according to his own judgment. I have to select 5 students out of your class. There is some, you know, inspection going on. So to see the academic standard of our school, some inspectors have come from board, right? So what will be my judgment? Mere ko ma'am ne bola 5 bacche apni class mein se jaldi se bhej do. How will I decide? How will I select the sample? Would I make use of random sampling here? Kyun? Acha, ek minute. Random sampling ke kuch merits bhi hain, demerits bhi hain. What are its merits? Very easy. Every unit has same chance. ठीक है. No bias. मेरा कोई bias, मैंने कहा तो आप में से कोई सोच ही नहीं सकता कि मैम ने मेरे को नहीं select करना या मैम मेरे को पक्का select करेंगे, है ना. No entry of personal bias. But it has demerit. It may not be representative. All the units may belong to same category. ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता. सैंपल टेक्निक तभी अच्छे रिजल्ट देगी अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है. ये भी हमने किया था. व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड सैंपल? इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी यू नो रिप्रेजेंटेटिव, इट शुड नाइदर बी टू लॉन्ग. साइज ऑफ सैंपल शुड नाइदर बी टू लॉन्ग नॉट टू स्मॉल. ठीक है, नॉन रिस्पॉन्स की प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए. अब इसमें नॉन रिस्पॉन्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है. जो आपने सैंपल चूज किया दैट मे नॉट रिस्पॉन्ड. सेकेंडली, इट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट मेथड विच इज नोन एज पर्पसिव सैंपलिंग. पर्पसिव सैंपलिंग, हम जब कोई रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज करना चाहते हैं. अब रेंडम से तो जरूरी नहीं है कि कोई 100% गारंटी नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आएगा. अब हमें कोई ऐसा सैंपल चाहिए जिसमें मैंने सोचा, जैसे मैंने भी एग्जांपल दे दी, कोई इंस्पेक्शन के लिए आया है. ठीक है, तो मुझे नेचुरली हम चाहते हैं हमारे स्कूल का नाम बना रहे, है ना, अच्छा इमेज जाए हमारे स्कूल की. तो मैं अच्छे बच्चे, मैं कहूंगी हाँ ये जो मेरे टॉपर्स हैं ये सैंपल में आने चाहिए. कोई भी टेक्निक ये गारंटी नहीं देती कि ये जो 5 बच्चे मेरे माइंड में है वो आएंगे ही आएंगे. ठीक है, सो ओनली वन टेक्निक गिव्स गारंटी कि जिन बच्चों को मैं चाहती हूं सैंपल में आए वो आ सकते. दैट इज पर्पसिव.
मतलब मैं अपनी मर्जी से सैंपल चूज करूं, आई चूज दी सैंपल अकॉर्डिंग टू माई ओन जजमेंट, ठीक है, दिस इज नोन एज पर्पसिव सैंपलिंग। सो इफ अगर आपको लगता है कि आपके सैंपल में ये पर्टिकुलर यूनिट आना ही चाहिए, ठीक है, देन यू मेक यूज ऑफ पर्पसिव सैंपलिंग। सो इट्स दैट टेक्निक इन विच द इन्वेस्टिगेटर चूजेस द सैंपल अकॉर्डिंग टू हिज ओन जजमेंट, ठीक है। सो एग्जाम्पल पता चल गई आपको। अब हम चाहते हैं सपोज इंडिया के आयरन एंड स्टील की स्टडी करनी है, तो उसमें एक नाम हर एक के माइंड में आएगा, इसको लेना ही लेना, कौन सा? टाटा आयरन एंड स्टील, टिस्को, राइट। लेकिन अगर मैं रैंडम से करूंगी, पता नहीं टिस्को इसमें आएगा कि नहीं आएगा, सो आई मेक यूज ऑफ रैंडम सॉरी पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक। अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग आप ले लो, ठीक है। अब इसके मेरिट्स अगेन वेरी सिंपल, देन रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ठीक है। डीमेरिट, पर्सनल बायस। जब मैंने कहा बच्चे इंस्पेक्शन के लिए आए हैं 5 स्टूडेंट्स, तो कोई स्टूडेंट बोलेगा मेरे को तो नहीं मैम भेजने वाले, और टॉपर्स के माइंड में होगा हाँ हम तो बनेंगे ही बनेंगे सैंपल, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना। सो ये हो गया पर्पसिव सैंपलिंग, वेरी सिंपल टेक्निक, अकॉर्डिंग टू योर ओन जजमेंट यू कैन सिलेक्ट द सैंपल, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स के लिए कोई टूर्नामेंट है और स्पोर्ट्स सिलेक्टर्स आए हुए हैं, तो मैं किसको भेजूंगी? जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू योर ओन जजमेंट यू सिलेक्ट द सैंपल, ठीक है। ओके, कमिंग टू द थर्ड टाइप, उससे पहले देखो इसकी क्या ड्रॉबैक थी, मेन लिमिटेशन क्या थी? द सैंपल मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव। हो सकता है इससे जो हमने सैंपल चूज किया वो रिप्रेजेंटेटिव ना हो, और इसमें क्या ड्रॉबैक था? एंट्री ऑफ पर्सनल बायस। सो देयर इज अनदर मेथड विच रिमूव्स द ड्रॉबैक ऑफ दोज बोथ दीज मेथड्स, दैट इज मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव और एंट्री ऑफ पर्सनल बायस। वो इन दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है, उसको हम मिक्स्ड सैंपलिंग भी कह देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये मेथड हम कैसे बनाते हैं? हम जो पॉपुलेशन है उसको पहले ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उन ग्रुप्स को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड, सॉरी स्ट्रेटास। ग्रुप्स को क्या कहते हैं? स्ट्रेटा। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन बाय अनदर नेम, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक। ये रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग टेक्निक है। देखो पॉपुलेशन हिट्रोजीनियस, समझते हैं? There are wide varieties present. अब आपकी क्लास में सब बच्चे का academically देख के marks below average भी है, above average भी है, homogeneous तो नहीं है, एक जैसा तो नहीं है section के, सबके marks 40 से below है या सबके 50 से above है, 60, 70 की range में, ऐसा तो नहीं है। Your class is heterogeneous, ठीक है। तो उनमें से जब मैं randomly sample choose करूँगी, सारी chicks को इकट्ठे डाल दूंगा, तो हो सकता है सारे वीक स्टूडेंट्स आ जाए, हो सकता है सारे इंटेलिजेंट आ जाए, हो सकता है सारी बॉयज आ जाए, हो सकता है सारी गर्ल्स आ जाए, हो सकता है ना। सो मैंने क्या किया, मैंने हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा बिलो 50 इधर आ जाओ, 60 टू 70 इधर आ जाओ, 70 टू 80 इधर आ जाओ, 80 अबव इधर आ जाओ, ठीक है। क्या किया, हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हर ग्रुप को कहा स्ट्रेटम, ये ग्रुप नहीं है, इसको क्या कहना है? स्ट्रेटम, और उसका प्लूरल वर्ड है स्ट्रेटा। ग्रुप्स मींस स्ट्रेटास। सो दिस इज वन स्ट्रेटम, सेकंड स्ट्रेटम, थर्ड, फोर्थ स्ट्रेटम।
अब मैंने कहा आप अपने रोल नंबर या नेम एक चिट पे लिखो सब अपने अपने नाम, और मैंने चार बाउंड रख दिया रो के आगे, ठीक है। इस बाउंड में आप चारों के नाम डाल दिए, एक बाउंड में आप सात के नाम, इस बाउंड में आप लोगों के नाम, और इस एक बाउंड में लिख सकते, ठीक है। तो मैंने हर बाउंड में से लेटर से दो दो चिट्स पिक कर लिया, दो थे मेरे पास बिलो 50, दो 50 टू 60, 60 टू 70, 70 है अब, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आ गया कि नहीं? Thank you.